सोना को अपने सामने इतने गुस्से में देखकर वे सब एक दूसरे को देखने लगे। अगर उनके बॉस ने इस लड़की को हाथ लगाने से मना ना किया होता तो वे लोग कब का इस लड़की के टुकड़े कर चुके होते। सोना उसी तरह उन पर गन पॉइंट किए ही उनके बीच से होकर अंश के सामने आकर खड़ी हो गई। वो उन सबको घूरते हुए बोली, मूव अवे। पर ये सुनकर भी वे सब उसी जगह पर जमे रहे। उन्हें अब भी उसी जगह पर देखकर सोना सबको घूरते हुए तेज आवाज में बोली, आई सेड मूव अवे। तभी उनमें से एक आदमी ने सोना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन सोना ने जल्दी से रिएक्ट करके बिना देरी किए उस पर गोली चला दी, पर इस बार उसका निशाना चूक गया। सोना को हार ना मानते देखकर वे सब सोना की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। वे सोना को हाथ लगा पाते उससे पहले उनके कानों में लगे ब्लूटूथ में कुछ आवाज आई, बाहर जाओ। किसी के द्वारा दिए गए कमांड को सुनकर उन लोगों ने एक दूसरे को देखा और अपने घायल साथी को लेकर वहां से बाहर चले गए। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था सोना क्या करने वाली थी, क्योंकि उन्हें पता था ये लड़की यहां से कहीं नहीं जा सकती। उनके लोगों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा था और वो अपने बॉस के आने का इंतजार कर रहे थे। उनके जाने के बाद सोना की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। उसके हाथ से गन छूटकर गिर गई और वो अंश को देखने लगी। वो अंश की हालत देखकर फिर से रोने लगी। सोना उसके गाल पर हाथ रखकर अपने पंजों के बल खड़ी होने के बाद उसके चेहरे पर फूंक मारने लगी। उसने अपनी साड़ी से उसके चेहरे पर लगे खून को साफ किया और उसे देखने लगी। सोना को एक पल के लिए लगा अंश की बंद आंखों में हलचल हो रही है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चला ये उसका वहम है। वो फिर से उसके सीने से लिपट गई। इसी तरह कुछ समय बीत गया। उस खाली जगह पर सन्नाटे के बीच सिर्फ सोना की तेज सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रात होने की वजह से ठंड बढ़ गई थी और सोना कांपने लगी थी। अंश पिछले 4 घंटों से बेहोश था। हर बीतते पल के साथ सोना के अंदर अजीब से डर ने घर बनाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे सोना की उम्मीदें भी टूटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बार बार अंश को जगाने की कोशिश करती लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर एक साइड में बड़ा सा टेबल रखा था जिस पर अभी तक सोना की नजर नहीं पड़ी थी। उस टेबल पर कई तरह के हथियार रखे हुए थे। चाकू से लेकर कई तरह की गन्स उस टेबल पर मौजूद थी। वो थक हार कर अंश के पैरों से लिपट कर बैठ गई। कुछ ही देर बीता था कि वहां का दरवाजा धीरे से खुला और एक लड़का अंदर आया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सोना ने उस तरफ देखा। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सामने खड़े शख्स के होठों पर सोना को देखकर जीत वाली मुस्कान थी। सोना जमीन से उठकर खड़ी हो गई और उस लड़के के सामने आकर खड़ी हो गई। उससे उस शख्स की चीड़ पैदा करने वाली मुस्कान बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के गाल पर मारा और चिल्लाते हुए बोली, तुम और किस हद तक नीचे गिरोगे करण। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि करण खड़ा था, जिसका सर सोना के थप्पड़ की वजह से एक तरफ झुका हुआ था। थप्पड़ इतना तेज था कि करण के होठों के किनारे से खून आने लगा। उसने कस के अपनी मुट्ठी बांध ली और गुस्से से सोना को देखने लगा। सोना उसके मुंह पर दोबारा चिल्लाते हुए बोली, तुम और कितना नीचे गिर सकते हो करण, हमें यकीन नहीं होता ये सब तुमने किया है। सोना की बात सुनकर करण के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो करण ही था जिसने उन लोगों के साथ अंश और सोना को किडनैप करने की प्लानिंग की थी। जब से अंश और सोना को उस जगह पर लाया गया था तब से हर पल वो उन दोनों पर नजर बनाए रखा था। कुछ देर पहले उसने ही अपने लोगों को सोना को हाथ लगाने से मना किया और वहां से जाने के लिए कहा था। कुछ वक्त पहले सोना ने जिस तरह उन लोगों से अंश को बचाने के लिए लड़ाई की वो देखकर करण के सीने में आग लग गई थी। वो लोग चाहते तो अंश की जान कब की ले लिए होते, लेकिन करण ने सिर्फ उसे जख्म देने के लिए ही कहा था, जान लेने के लिए नहीं। सोना उसे बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए देखकर गुस्से से बोली, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो करण, क्यों तुम हमें चैन से जीने नहीं देते, क्यों बार बार हमें परेशान करने के लिए आ जाते हो। जाने दो हमें, तुम अभी अपने लोगों से अंश को खोलने के लिए कहो,
इन्हें अब और चोट पहुंचाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ये कहते हुए वो करण को नफरत से देखने लगी। करण अपने सामने उस लड़की को देखने लगा जिसकी आंखों में ना कोई डर था और ना ही घबराहट। वो आज किसी शेरनी की तरह करण के सामने दहाड़ रही थी। उसे सोना का ये रूप पसंद आ रहा था क्योंकि उसने जब भी सोना को देखा था तो वो हमेशा घबराई हुई होती थी। करण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बाल खुले थे और उसके कपड़ों और चेहरे पर अंश का खून लगा हुआ था। उसकी नीली आंखें गुस्से से जल रही थी जिसकी वजह से करण सोना का दीवाना हुआ जा रहा था। कुछ देर उसे देखने के बाद करण उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ने लगा। उसे अपने पास आते देखकर सोना पीछे हटने लगी। वो उसे दूर जा पाती उससे पहले करण ने उसकी बांह को पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बहुत बहादुर हो गई हो तुम, लगता है अंश के साथ रहकर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही हो, पर अफसोस मुझे तुमसे जरा भी डर नहीं लगता, बल्कि तुम ये सब करके मुझे तुम्हें पाने के लिए मजबूर कर रही हो। पहले तुम्हारे साथ खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता था, पर अब मैं सोच रहा हूँ तुम मेरे बिस्तर पर कैसे लगोगी, बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। सोना ने ये सुना और उसे घिन भरी नजरों से देखने लगी। वो अपनी बांह उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए दांत पीस कर बोली, करण छोड़ो हमें वरना हम। करण उसकी बात काटते हुए बोला, वरना क्या हूँ, क्या करोगी तुम मेरा, कुछ भी नहीं कर सकती तुम। तुम्हारा पति हवा में बेचान लटक रहा है और तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो। नॉट बैड, मुझे तुम्हारा ये साइट पसंद आया, आई रियली लाइक इट। ये कहने के बाद वो मुस्कुराने लगा। सोना गुस्से से उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, हाँ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंश को होश आ गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें हमें हाथ लगाते देखकर जिंदा जला देंगे। करण उसकी बातों का मजाक बनाते हुए बोला, भूल जाओ, उसे अब कल ही होश आएगा और तब तक तो हम बहुत दूर निकल गए होंगे। सोना ने यह सुना और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, ये क्या बकवास है, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहे। उसके सवाल पर करण मुस्कुराते हुए बोला, ये कोई बकवास नहीं है स्वीटहार्ट, बल्कि वही कह रहा हूँ जो मैंने प्लान किया है। अगर अंश को होश भी आ गया तो भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे लोग इस जगह पर दूर दूर तक फैले हैं तुम्हारे पति से निपटने के लिए। वो कुछ देर रुका और फिर से बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं। अंश तो यहाँ से जिंदा जाने से रहा, और रही बात घर वालों की तो वो कभी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। उसकी एक एक बात सुनते हुए सोना हैरान हो रही थी। करण के मुंह से उसे अंश से दूर ले जाने की बात सुनकर सोना मुंह खोलकर उसे देख रही थी। करण ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो कहा, तुम हैरान क्यों हो रही हो, तुमने जो भी सुना वो सच है, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा जहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी नहीं होगा, वहाँ कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। करण के लोगों ने अंश के बेहोश होने के बाद उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था जिसकी वजह से अंश गहरी नींद में चला गया था। करण का प्लान था जब तक उसे होश आता वो सोना को दूर लेकर चला जाता। करण ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसे सॉफ्टली सहलाते हुए बोला, वेल मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई नहीं आ सकता, जो भी हमारे बीच आने की कोशिश करेगा मैं उसका वही हाल करूंगा जो इस वक्त तुम्हारे पति का है। सच कहूं तो अंश मेरा शिकार नहीं है, वो तो किसी और का है, और कुछ ही देर में वे लोग यहाँ आते ही होंगे, तब तक हम यहाँ से जा चुके होंगे। मेरा मकसद उसे मारना कभी नहीं था, मुझे उससे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी जो कि मेरी है, और वो चीज मेरे हाथों में आ चुकी है, इसलिए मैं अंश को मारने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। बहुत कर लिया इंतजार और बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब सिर्फ शिकार होगा, वो भी तुम्हारा। ये कहने के बाद उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सोना ने उसकी आंखों में पागलपन देखा तो वो घबरा गई। उसे घबराते देखकर करण मुस्कुराया और उसकी बांह को पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। सोना उसकी पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी। वो उसके हाथ पर मारते हुए बोली, नहीं हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, छोड़ो हमें, हमें नहीं जाना। लेकिन करण ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसे दरवाजे की तरफ ले जाते हुए बोला,
ऐसे कैसे नहीं चलोगी? मैं तुम्हें लेने आया था और तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसी वक्त सोना ने करण के हाथ पर बहुत जोर से काटा। करण ने बदले में उसके गाल पर खींच के थप्पड़ जड़ दिया। सोना जमीन पर गिर गई। करण ने देखा उसके हाथ पर जहाँ सोना ने काटा था वहाँ पर सोना के दांतों के निशान बन गए थे और उसमें से खून बह रहा था। करण ने अपने हाथ को होठों से लगा लिया। वो बोला, बहुत वाइल्ड हो गई हो हाँ? पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले कितनी डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन अब तो तुम बहुत कमाल की हो गई हो। ऐसा क्या खिला दिया है अंश ने तुम्हें कि अब तुम भीगी बिल्ली से शेरनी बन गई हो? आई स्वेर सोना, बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। ये कहते हुए वो सोना के पास आने लगा। सोना उसे अपने पास आते देखकर पीछे सरकने लगी। वो उसे अपने पास आने से रोकते हुए करण की बात सुनकर सोना को हमसे हुई आंसू, पर करण उसके पास कैसे भूल सकती थी सालों पहले उसके सामने खड़े इस दरिंदे ने उसकी टीचर के साथ क्या किया था। उसी की वजह से आज तक उसे डरावने सपने आते थे। वो इतनी डरी हुई थी कि कई रातें उसे नींद ही नहीं आई। करण उसका रिएक्शन देखकर हंसने लगा। तभी किसी चीज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने देखा सोना के गले के आसपास लाल और पर्पल कलर के निशान थे। ये समझते हुए कि वो किस चीज के निशान थे, करण का जबड़ा कस गया। उसकी हंसी एक पल में ही गायब हो गई। सोना के गले पर वो लाल निशान अंश के दिए लव बाइट्स थे। उन्हें देखकर करण का गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया। अचानक से उसे लगने लगा जैसे सोना उसे धोखा दे रही है। उसने सोना के गाल को कस के पकड़ा और गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना उससे दूर रहना, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम उसके साथ पहले ही सो चुकी हो हाँ? ये सुनकर सोना ने घिन से अपनी आंखों को बंद कर लिया। करण उसके कान के पास झुका और उसके कान पर किस करते हुए दांत पीस कर बोला, तुम जानती हो ना तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने कितनी कोशिश की जिससे अंश तुम्हें धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम इस अंश के साथ कैसे सोई? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर उसने उसे धक्का दे दिया। सोना उसे घबराई नजरों से देखने लगी। उसे याद आ रहा था करण उस दिन भी इसी तरह बिहेव कर रहा था जिस दिन उसकी टीचर के साथ उसने उसकी आंखों के सामने बुरा किया था। करण अपनी पैंट की बेल्ट खोलते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो अपने हाथ में उसे लपेटते हुए सोना की घबराहट देख रहा था। वो पीछे सरकते हुए शेकी वॉइस में बोली, करण दूर रहो हमसे, हमारे पास मत आना। उसने ये कहा ही था कि करण ने पूरी ताकत से उस बेल्ट से सोना को मारा। सोना के मुंह से चीख निकल पड़ी, आह! उसके चिल्लाने के साथ ही अंश के हाथ मुट्ठी में कस गए और उसकी आंखों में हलचल होने लगी। सोना के दर्द से चिल्लाने की आवाज उस खाली जगह पर गूंजने लगी। करण किसी पागल इंसान की तरह चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे धोखा दिया सोना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और वो उसे बुरी तरह से मारने लगा। सोना के चिल्लाने की आवाज करण के कानों को सुकून देने लगी। करण उसे मारते हुए ही बोला, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है क्योंकि तुम्हारी चीख सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। सोना की हालत अब तक बहुत बुरी हो चुकी थी। उसके शरीर पर जगह जगह बेल्ट की चोट के लाल रंग के निशान बन गए थे जिनसे बस खून आने ही वाला था। कुछ वक्त बाद करण घुटनों के बल बैठा और उसके गाल को पकड़कर उसके गले के लाल निशान को देखते हुए बोला, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम्हें अंश का होने का भी कोई हक नहीं है। ये कहने के बाद उसने सोना की साड़ी को पकड़कर खींचा जिससे सोना घबरा गई। सोना अपनी साड़ी को पकड़ते हुए बोली, करण तुम पागल हो गए हो, छोड़ो हमें। करण चिल्लाते हुए बोला, हाँ मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया और तुम उस अंश की बाहों में चली गई हाँ? आखिर तुम मुझे क्यों नहीं अपना सकती? क्या कमी है मुझ में? अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। ये कहने के बाद करण अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने शर्ट उतार कर फेंक दिया। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सोना उसके साथ रहेगी या नहीं, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ सोना को बर्बाद करना था। सोना उसका पागलपन देखकर पीछे जाने लगी। वो सरकते हुए अंश के पास आ गई थी। करण उसके लेवल में झुका और उसके बालों को मुट्ठी में पकड़कर उसके गाल पर किस करने लगा। सोना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, हमें हाथ लगाकर तुम अपनी मौत बुला रहे हो करण, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सोना करण से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। उसके अंदर की हिम्मत टूटती जा रही थी। उसका सुंदर सा चेहरा गुलाबी हो गया था।
उसकी बात सुनकर करण हंसते हुए उसके होठों को देखने लगा। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है स्वीटहार्ट, अब मुझे तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं वही करूंगा जिसका मैंने इतने सालों से इंतजार किया है। ये कहने के बाद वो उसे किस करने की कोशिश करने लगा। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था करण उसे हाथ लगाए, इससे बेहतर महादेव उसे मौत ही दे दे, लेकिन ये कहां मुमकिन था। वो उसके होठों को छू पाता उससे पहले किसी ने उसके सीने पर जोरदार लात मारी। करण सोना से कुछ कदम पीछे जाकर जमीन पर पीठ के बल गिरा। जिस जगह पर अभी उसे लात पड़ी थी उस जगह पर उसे तेज दर्द महसूस हुआ। वो जोर से चिल्लाया, आह! उसने अपना सर उठाकर सोना के पीछे देखा और उसके पीछे खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें खौफ से भर गई। सोना को भी कुछ समझ नहीं आया अभी अभी करण के साथ ये क्या हुआ। उसने जल्दी से खुद को अपने हाथों से छुपा लिया और पीछे देखने लगी। अपने पीछे खड़े इंसान को देखकर सोना की आंखें रोते हुए भी चमक गई। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अंश खड़ा था। अंश के हाथ में रस्सी लटक रही थी। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा और उसके चेहरे पर करण को जिंदा निकल लेने वाले एक्सप्रेशन थे। उसके चेहरे पर खून लगा होने की वजह से उसका चेहरा बहुत भयानक नजर आ रहा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल थी। उसे देखते हुए करण ने अपने सीने पर हाथ रखा और बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ, क्योंकि उसके सीने पर जहां अंश ने कुछ देर पहले लात मारी थी वहां उसे काफी दर्द हो रहा था। करण को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अंश इतनी जल्दी होश में आ जाएगा। उसने तो बहुत अच्छे से प्लान बनाया था। उसने बेहोश करने वाली दवाई खासकर अंश के लिए बनवाई थी ताकि अंश लंबे समय तक सोता रहे और इस बीच वो सोना को अपने साथ लेकर इस देश से बाहर जा सके। उसने खुद को कोसा और बोला, शिट। इधर सोना अंश को देखकर उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। अंश ने भी बिना कुछ कहे उसे कस के पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। तब जाकर सोना ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो जानती थी अंश के होते हुए करण अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह खुशी के आंसू थे। करण आग बबूला हो रहा था सोना और अंश को एक दूसरे की बाहों में देखकर। उसने चिल्लाते हुए अपने हाथों को झटका जिससे उसकी मसल्स टाइट हो गई। उसने एक लोहे की मोटी सी रॉड को उठाया और अंश की तरफ भागते हुए आया। उसने चिल्लाते हुए अंश की पीठ पर उस रॉड से मारा। अंश इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो सोना को लेकर जमीन पर गिर गया। करण ये देखकर दोबारा उसे मारने को हुआ, लेकिन इस बार अंश ने एक हाथ से उसे पकड़ लिया और रॉड को करण के पेट में घुसा दिया। करण अपना पेट पकड़कर पीछे हट गया। अंश ने सोना को खुद से दूर खड़ा किया और उसके चेहरे को देखने लगा। सोना के चेहरे पर काफी सारे खरोंच के निशान थे। करण के थप्पड़ की वजह से उसके होंठ के किनारे से खून आ रहा था। उसके दोनों गालों पर थप्पड़ के निशान थे और उसकी बाजुओं और शरीर भर बेल्ट से मारने के निशान थे। करण को सोना के इतने पास देखकर अंश का तो पहले ही दिमाग खराब था और अब ये सब देखकर वो पागल सा हो गया। सोना को कितना दर्द हुआ होगा जब करण ने उसे बेल्ट से मारा था, अंश ये इमेजिन नहीं करना चाहता था। अंश सोना को देख ही रहा था कि तभी बाहर से चार लोग अंदर आ गए। वो लोग देखने आए थे कि वहाँ सब ठीक है या नहीं, लेकिन अंश को होश में देखकर वो लोग थोड़े हैरान हो गए। करण ने उन्हें देखा और कुछ इशारा किया। उसके इशारे से जैसे ही एक आदमी ने अंश को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अंश ने उसके गले को ही पकड़ लिया और एक ही बार में उसके गले को मोड़ दिया, जिससे वो वहीं ढेर हो गया। बाकी तीन लोग अपने साथी को इस तरह देखकर गुस्से से भर गए और अंश के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त अंश को कोई नहीं रोक सकता था। कुछ ही पल में वो तीनों भी जमीन पर पड़े थे। ये देखकर कि अंश ने कितनी आसानी से उन लोगों की जान ले ली, करण का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अंश ने उसे गुस्से से घूरा और सोना के हाथ को पकड़कर करण की तरफ पड़ने लगा। उसने गरजते हुए कहा, मेरी बीवी को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई करण? तुझे क्या लगता है अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? ये कहने के बाद उसने करण के पेट पर लात मारी। करण पिलर से टकरा गया। अंश ने उसके गले को पकड़ लिया। करण ने भी अंश का हाथ पकड़ लिया और अपने गले पर दबाव कम करने की नाकाम कोशिश करने लगा। उसके पेट में पहले से ही काफी दर्द हो रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर अंश के पेट पर लात मारी। अंश दो कदम पीछे हट गया। अंश की पकड़ से छूटकर करण खांसने लगा। उसने अपना सर उठाकर अंश को देखा। अंश अपने हाथ में अपनी बेल्ट को लपेट रहा था। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ
अंशु से बिना मौका दिए बेल्ट से मारने लगा। करण को अपने शरीर में बहुत जलन महसूस हो रही थी। उसने किसी को आवाज दी, लेकिन कोई भी अंदर क्यों नहीं आ रहा था। वो खुद को बचाने के लिए पीछे हटने लगा। अंश बोला, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, क्योंकि तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। उसने ये कहा ही था कि बाहर की तरफ बंदूक की गोलियों के साथ में लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाज आने लगी। अंश के लोग वहां पहुंच चुके थे। उस आवाज को सुनकर करण अंश को देखने लगा। अंश ने कठोरता से कहा, क्या हुआ करण, हैरानी हो रही है। तुम्हारे लोग तुम्हें यहाँ अकेला मरता छोड़कर भाग गए करण, और जो नहीं भाग पाए वो सब ऊपर चले गए। तुम्हें लगा था तुम लोगों ने मुझे शिकार बनाया है, लेकिन नहीं, असली शिकार तो अब होगा, वो भी तुम्हारा। अंश की बात सुनकर करण की आंखें गहरी हो गई। उसने बेल्ट को पकड़ लिया और अंश को अपनी तरफ खींचा, जिससे अंश उसके पास पहुंच गया। उसने अंश के पेट पर एक लात मारी तो अंश पीछे हट गया। करण भी खुद को संभाल कर खड़ा हो चुका था। वो इतना भी कमजोर नहीं था कि वो अंश की धमकियों से डर जाए। उसने कहा, क्या हुआ अगर वे लोग नहीं आए, मैं अकेला काफी हूँ तेरी जान लेने के लिए। ये कहते हुए वो अंश के पास आया। अंश भी तैयार था। दोनों के बीच फाइट होने लगी। कभी अंश करण पर भारी पड़ता तो कभी करण अंश पर। सोना दूर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त जरा भी डर या घबराहट नहीं थी। वो चाहती थी आज अंश करण को उसके किए की सजा दे। इधर अंश करण पर हावी हो गया था। वो उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए बोला, अब तक मैं चुप था, पर अब तूने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी है करण। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। ये कहने के बाद अंश उसके चेहरे पर मारने लगा। करण के मुंह से खून आ रहा था। अंश उसे फिर से मारने जा ही रहा था कि करण हंसते हुए बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते अंश। अगर मैं मर गया तो तुम नीलू बुआ और दादू को क्या जवाब दोगे? तुम मुझसे उस बीवी के लिए लड़ रहे हो जिसने ना जाने कितनी ही रातें मेरे साथ मेरे बिस्तर पर बिताई है। अरे इसने तो सम्राट तक को नहीं छोड़ा। तुम इस जैसी लड़की के लिए मेरी जान नहीं ले सकते अंश। क्या करेगा अंश? क्या अंश जिंदा छोड़ देगा करण को, या ले लेगा उसे? करण की बात सुनकर अंश के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। वो रोकता भी कैसे, उसने उसके सामने ही सोना पर हाथ उठाया था। उसने करण के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा और गरजते हुए बोला, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की, हाउ डेयर यू। ये कहते हुए वो उसे बुरी तरह से मारने लगा। जिस दिन करण सोना को अंश से दूर रहने के लिए बालकनी में धमका रहा था, उसके कुछ वक्त बाद अंश ने सीसीटीवी फुटेज देखा था, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उन दोनों को इतने करीब देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। फिर अंश तो सोना का पति था, अंश कैसे उन दोनों चीटर्स को माफ कर देता। अंश करण से कन्फ्रंट करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी जानना था कि सोना उसके साथ क्या करने वाली थी। इसलिए उसने इंतजार करना ठीक समझा और उसका इंतजार भी जल्द ही खत्म हो गया। अंश ने सोना, सम्राट और करण को सबक सिखाने के लिए पहले से पूरा प्लान बना लिया था। उस दिन सम्राट को अपने कमरे से बाहर आते देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। ऊपर से सम्राट की बकवास ने उसके गुस्से में पेट्रोल का काम किया, जिसकी वजह से उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया और गुस्से में उसने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। अंश करण के हाथ पर जोर से मारते हुए चिल्लाया, तुम्हें लगता है मुझे किसी चीज से फर्क पड़ता है तो तुम गलत हो। मैं हर उस चीज को इस दुनिया से मिटा दूंगा जो मेरी बीवी को जरा भी तकलीफ पहुंचाएगी, समझे तुम। ये कहने के बाद उसने उसके हाथ को मरोड़ दिया। उसके साथ ही उस खाली जगह पर चारों तरफ करण की दर्द से भरी चीख सुनाई देने लगी। करण को लगा जैसे उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है। अंश ने उसके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं दिखाया। वो खड़ा हुआ और उसकी दोनों टांगों के बीच एक जोरदार लात मारी। करण इस बार गला फाड़ कर चिल्लाया। अंश यही नहीं रुका, वो करण के सीने पर चढ़कर उसके चेहरे पर मुक्का मारने लगा। लेकिन अब करण की आंखें बंद होने लगी थी। उसे जगाए रखने के लिए अंश उसके गाल पर थपकी देते हुए बोला, ये उठ, अभी मेरा हिसाब पूरा हुआ नहीं है, तू इतनी जल्दी मर नहीं सकता करण। पर करण की आंखें बंद होने लगी थी। करण का चेहरा अब तक खून से पूरा सन चुका था। उसकी सांसें भी उसके गले में घुटने लगी। अंश फिर से उसे मारने जा रहा था कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। अंश ने पलटकर गुस्से से उस इंसान को देखा जिसने उसके हाथ को पकड़ा था। उसके सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य ने अंश की ऐसी हालत देखी तो उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। अंश की आंखें किसी भूखे शेर की तरह लग रही थी और उसका चेहरा किसी खूंखार जानवर से कम नहीं लग रहा था।
शौर्य ने जल्द ही अपना होश संभाला और उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोला, अंश रुक जाओ, वो मर जाएगा। पर अंश ने अपने दोस्त की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने शौर्य की पकड़ से झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर से करण को मारने लगा। शौर्य जोर से चिल्लाया, अंश रुक जाओ, तुम जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हो, वो मर जाएगा अंश, ये ठीक नहीं है। अंश जोर से चिल्लाया, हाँ मैं जानवर हूँ और जब तक मैं इसका खून नहीं पी लेता मेरे अंदर का जानवर शांत नहीं होगा। मैं इसकी जान ले लूंगा शौर्य, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की। तभी पीछे से शिवा आते हुए बोले, तुम जानवर नहीं हो अंश, तुम मेरे बेटे हो, शांत हो जाओ। लेकिन अंश ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने करण के खून से सने अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखा और आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली जिससे खून की बदबू उसकी नाक में जाने लगी। ऐसा लग रहा था वो खून की बदबू उसे सुकून दे रही हो। शिवा ने ये देखा और उसे अपने बेटे के लिए डर लगने लगा था। उसने ऐसा ही नजारा सालों पहले देखा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उसे इस खतरनाक रूप में देखकर उसके पास जाने की और उसे रोकने की। सोना अंश को पहली बार ऐसे नहीं देख रही थी, लेकिन वो जब भी उसे इस तरह पागल होते देखती थी तो उसका कमजोर दिल कांप जाता था। पर इस बार कुछ अलग था। वो अपनी कठोर नजरों से अंश को करण की जान लेते देख रही थी। उसे करण के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। ऐसी खुशी जिसे बयां करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं थे। आखिरकार उसके सबसे बुरे सपने जिसने उसे सालों तक परेशान किया, आज उसका अंत जो हो रहा था। शौर्य की नजर भी सोना पर पड़ी। उसने सोना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो उसे बहुत अजीब लगा। फिर उसने सोना की बिगड़ी हालत देखी। उसे समझते देर नहीं हुई वहाँ पर क्या हुआ होगा। और फिर वो शिवा को देखने लगा। शिवा अंश को ही देख रहे थे। अपने बेटे को फिर से इस हाल में देखकर उसका दिल बुरी तरह से दर्द कर रहा था। शौर्य सोना के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सोना जाओ उसे रोको। सोना हड़बड़ाते हुए होश में आई। शौर्य ने कहा, सोना देख क्या रही हो, जाकर अंश को रोको, वो किसी की भी नहीं सुन रहा। सोना ने ये सुना और अंश को देखने लगी। उसे देखते हुए उसने अपनी लार निकल ली। उसने शौर्य को देखा और कहा, लेकिन हम शौर्य ने तेज आवाज में कहा, जाओ। सोना ने हाँ में सर हिलाया और धीमे कदमों से अंश के पास गई। उसने अंश के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अंश। अंश ने उसकी आवाज सुनी और वो उसे देखने लगा। सोना उसकी लाल आंखों को देखकर बुरी तरह से कांप गई, पर उसने खुद को संभाला और उसके सामने जमीन पर बैठ गई। उसने धीरे से कहा, अंश शांत हो जाइए, मर गया है ये, प्लीज शांत हो जाइए। अंश उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो सोना को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। सोना ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो वो अपने सीने पर हाथ रखकर सर हिलाते हुए बोली, हम आपकी बीवी हैं, देखिए हम ठीक है, इसने हमें हाथ भी नहीं लगाया, देखिए ना हम आपके सामने हैं। उसे देखते हुए अंश कुछ ही देर में शांत होने लगा, लेकिन जब उसने सोना की हालत देखी तो उसका गुस्सा फिर से उस पर हावी हो गया। उसने सोना के हाथ को झटक दिया जिससे सोना पीछे की तरफ गिर गई। अंश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से करण को मारने लगा जिसकी मौत कब की हो चुकी थी। अंश चिल्लाते हुए बोला, मैं इसकी जान ले लूंगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की, और वो फिर से उसे मारने लगा। सोना ने ये देखा और उसने अंश के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अचानक से थप्पड़ पड़ने से अंश खामोश हो गया। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और सोना को देखने लगा। सोना उसके मुंह पर चिल्लाते हुए बोली, होश में आइए अंश, आप कोई जानवर नहीं है, देखिए ये सब आपके पास आने से डर रहे हैं, आपके डैड, आपका दोस्त, सब आपके पास आने से घबरा रहे हैं। ये कहते हुए वो रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, प्लीज अंश शांत हो जाइए, आप कोई जानवर नहीं है, आप अंश हैं, हमारे अंश, प्लीज शांत हो जाइए और हमारे पास आइए, हमें सीने से लगा लीजिए अंश, हमें आपकी बाहों में आना है। अंश उसी तरह अपने गाल पर हाथ रखकर सोना को अजीब नजरों से देखने लगा जैसे सोना की बातों से वो शांत होने लगा था। उसकी आंखें जिनमें गुस्से की आग जल रही थी वो सोना को देखकर सॉफ्ट हो गई, लेकिन सोना के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोना अब भी अंदर ही अंदर कांप रही थी, लेकिन उसे अंश के लिए खुद को मजबूत दिखाना था, इसलिए वो खुद को ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे अंश के इस रूप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। फाइनली अंश करण के ऊपर से खड़ा हुआ। वो उसके पास आया और करण के खून से सने अपने हाथों में सोना के चेहरे को भरते हुए बोला, तुम ठीक हो, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। सोना अंश की बातों में प्यार, फिक्र और डर महसूस कर पा रही थी।
अंश ने बिना देरी किए सोना को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो उसे बरसों की मिन्नत के बाद मिली हो। लेकिन सोना बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। उसने डर के मारे कसकर अपने कपड़ों को मुट्ठी में भींच लिया। वो बहुत हिम्मत से अंश का सामना कर रही थी, ये सोचते हुए कि अंश उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस वक्त वो हद से ज्यादा घबराई हुई थी। कुछ पल बाद अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को हथेली में भरते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। अंश के हाथ का खून सोना के चेहरे पर लगने से उसका चेहरा पूरा खून से लाल हो गया, लेकिन अंश को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सोना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अंश ने उसके आंसू को साफ किया और बोला, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। हर वो हाथ जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बढ़ेगा, उन्हें मैं काट दूंगा। वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाना चाहता था बीवी, मैं ऐसा कैसे होने देता। सोना का दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। वो इस वक्त कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं थी। वो बस घबराई नजरों से एकटक अंश को देख रही थी। अंश ने उसके चेहरे को देखा और उसे फिर से अपने सीने से लगा लिया। सोना शिवा को देखने लगी। शिवा ने सोना को ठीक देखकर अपनी आंखों से अंश को शांत करने का इशारा किया और वहां से बाहर निकल गया। शिवा को देखकर सोना के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और अंश को शांत करने के लिए धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से उसकी पीठ सहलाने लगी। वो बिना किसी भाव के बोली, दोबारा ऐसा कभी मत करना अंश, हम हमेशा आपके पास रहेंगे, हमें कुछ नहीं हुआ, प्लीज हमें घर ले चलिए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। सोना की बात सुनकर अंश ने अपना सर हिलाया। सोना को अपने सीने से लगाकर अंश को अब सुकून सा मिल रहा था। कुछ पल इसी तरह रहने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया। शौर्य ने राहत की सांस ली और इससे पहले कि अंश फिर से अपना होश खो दे, वो उसके पास आया और अपना गला साफ करते हुए बोला, अंश तुम सोना को घर ले जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा। उसने ये कहकर बाहर की तरफ इशारा किया। अंश ने हाँ में सर हिलाया और सोना के हाथ को कस के पकड़ते हुए बोला, चलो सोना घर चलते हैं। सोना ने हाँ में सर हिलाया और अंश के साथ जाने लगी, लेकिन उसने पलटकर एक बार करण को देखा, फिर उसने शौर्य को देखा। शौर्य ने अपनी पलक झपकाकर सब ठीक होने का इशारा किया। अंश को पहले से काफी चोट लगी थी। करण से लड़ने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। गुस्से में वो भूल गया था कि उसके अंदर अभी भी बेहोशी की दवाई का असर था। वे दोनों अभी गेट से बाहर जा ही रहे थे, लेकिन अंश ने अपना सर पकड़ लिया। सोना उसे संभालते हुए बोली, अंश आप ठीक है? लेकिन अंश तब तक सोना की बाहों में गिर गया। अचानक से सोना के ऊपर गिरने से सोना अंश के भारी भरकम शरीर को संभाल नहीं पाई और उसके साथ ही जमीन पर गिर गई। शौर्य ने ये देखा और भाग के उनके पास आ गया। उसने बाहर खड़े गार्ड्स को आवाज दी तो कुछ गार्ड्स अंदर आकर अंश को उठाते हुए अपने साथ ले गए। सोना शौर्य को देखने लगी। शौर्य ने कहा, तुम अंश के साथ जाओ, उसे तुम्हारे